तो बच्चों अब करेंगे हम 36 क्वेश्चन, मैंने फिगर बना लिया है। तो देख रहे हो बच्चे, ये कह रहा है कि जो एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड है किस पे, एक रेगुलर हेक्सागन में। रेगुलर हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है इसकी, रेगुलर हेक्सागन है ये। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, बस इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें मुझे इसका सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है और सर्कल का एरिया निकालना है। सिंपल है बच्चों, सबसे पहले मुझे ना रेडियस निकालना पड़ेगा। तो देखो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ, रेडियस इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, √3/2 इंटू जो इसकी साइड है। इसकी साइड कितनी दे रखी है बच्चों मुझको, इसकी साइड दे रखी है मुझे 2√3, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/√3 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। जो जो मेरा रेडियस आने वाला है वो कितना हो गया बच्चों, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और एरिया भी निकालना है मुझे इसका, वो होता है πr². बस देखो अब कर लेता हूँ, 2 × 22/7 × r है मेरा 3। तो देखो बच्चों ये कितना इजी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये बच्चों मेरा आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर। मेरा क्या आ गया इसका, सर्कमफेरेंस। और अब मुझे इसका एरिया निकालना है 22/7। अब जो रेडियस है मेरा, रेडियस कितना आया था, 3, मतलब 3 × 3, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 198/7 सेंटीमीटर² तो देखो बच्चों कितना इजी आ गया। बस ये याद रखना आप कि क्या होता है कि इंस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस जो निकलता है √3/2 × साइड ऑफ हेक्सागन निकलता है ना। तो ये याद रखना बस आप, बाकी सब कुछ ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। आप 37th वाला क्वेश्चन हम करते हैं।